कहाँ चली गई मोतीबाई? अरे मोती भाई, इस वक्त तुम हरम में? जी वो ऐसे ही हम हरम देखने आ गए थे। कहाँ चली गई हो मोती भाई? सुनिए, आपकी छुरी नीचे गिर गई थी। ये जोधा यहाँ क्या कर रही है? ये ख्वाजा जरा कुछ विचित्र सा लगा, बाकी सबसे अलग। और इसने अपना मुख क्यों छिपा रखा है? हरम में दाखिल होने की हिमाकत कैसे की आदम खान ने? इतना बड़ा गुनाह। क्या हुआ रुकैया, अचानक जाग क्यों गई? जब शहंशाह की आंखें बंद हो तो मल्लिकाए खास को तो जागना पड़ेगा ही ना। हम तो बस हवा का लुत्फ उठाने गए थे, आखिरकार ऐसा हो क्या क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है जलाल। उस दिन अगर मान सिंह को हरम में कदम रखने की सजा दी होती तुमने, तो आज यहाँ का कानून नहीं टूटता। दूसरा मर्द हरम में आने की गुस्ताखी नहीं करता। क्या कह रही है रुकैया? किसी गैर मर्द ने हमारे हरम में दाखिल होने की गुस्ताखी की? हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से एक गैर मर्द को हरम में जाते हुए देखा है। उस दिन एक बच्चे को छूट दी, आज एक मर्द घुस आया, कल दो, फिर तीस, फिर दस। देखते ही देखते ये जनान खाना आम खाना हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा वहम नहीं तो इतना शानदार रुकैया, जिसने भी हमारे हरम में दाखिल होने की हिमाकत की है, हम उससे बचेंगे नहीं, हम खुद जाकर तहकीकात करेंगे। रुको जलाल, तुम बादशाह हो, तुम नहीं जा सकते। मोती होती? क्या हुआ? हाँ, देखता हूँ ना मोती, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ मोती, क्या हुआ मोती? हम रास्ता भटक गए थे ना, तो थोड़ा सा घबरा गए थे। क्या क्या कर रही है? चलिए हम अपने महल में चलते हैं। होशियार, कोई घुसपैठ या घुसा है हरम में? चलो ऐसे। ये हरकतें करना छोड़ेंगे आप आदम नामकूल घुसपैठ? तो आप जानते हैं आपने क्या किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है। हमें किसी का खौफ नहीं है। चुप करो, अब हमारी बात कान खुल के सुन लो और यहाँ से निकल जाओ। तीन दिन तक शक्ल मत दिखाना, समझे? जाइए यहाँ से। आदम, मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन हरम में तशरीफ ला रहे हैं। रहम बादशाह, तुम अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हो। तुम ना रहम के ना जीने के लायक हो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हमने किसी मर्द को हरम में जाते नहीं देखा।
खामोश। जिनकी नजरें धोखा खा जाए हम उन्हें अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं करते। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अगर आज के बाद हमारी सरहद में दिखाई दिए तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। हर कोना हर कमरा छाना मारा जाए। ढूंढो उसे जिसने यहां आने की जरूरत की है। अल्लाह रहम कर जलाल यहां रे, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह रहम करो। मलका या आलिया, घुसपैठियों को रोकने के लिए शहंशाह खुद क्यों गया हरम में? क्योंकि ये हरम खुद शहंशाह का है और हरम की हर औरत शहंशाह की मिल्कियत है। और इस हरम में कोई और घुसा है ये तो शहंशाह की तौहीन है। अगर हरम में दाखिल होने वाला शख्स खुद अपनी मर्जी से घुसा है तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि एक मिसाल बन जाएगी। और अगर यह हिमाकत किसी बेगम या किसी बांदी की शय पर तय हुई है तो फिर समझ लो वो बेगम या बांदी। कमाल का खेल शुरू होने वाला है। अब महामंगा क्या करेगी ये देखना है। इस वक्त हरम में जो भी मौजूद है फौरन हमारे सामने पेश हो। जलाल क्या हुआ? किसी कैद मर्द ने हमारे हरम में दाखिल होने की गुस्ताखी की। वो जो भी है फौरन हमारे सामने पेश हो वरना हमारी शमशीर का कहर नाजिल होगा उस पर। हरम में मौजूद हर बांदी हर बेगम वो फौरन हमें अपने चेहरे दिखाए। हमारा ये हुक्म यहां मौजूद सबके लिए है, हमें फौरन अपने चेहरे दिखाए जाए। तुम भी